नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी गहलोत, आपके अपने स्पेशल एजुकेटर, अपने चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के बारे में। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन होता क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम इसकी एक्टिविटीज़ कराएं इम्प्रूव कराने के लिए बच्चे का, तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायलैटरल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखिए, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन जो है हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें हमें बायलैटरल कोऑर्डिनेशन ही हमारा यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन का एक साथ काम करना, मतलब हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जब एक साथ मिलके कुछ काम करते हैं तो उसको बायलैटरल कोऑर्डिनेशन हम बोलते हैं। तो इसके लिए हम, जैसे मैंने अभी एक पेन लिया तो उसको हम एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से हम उसकी कैप उतारेंगे, तो इसमें जो है हमारा दोनों हैंड का काम हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। इसमें हम, जैसे अगर हम पानी की कोई बोतल ले रहे हैं, हम एक हाथ से बोतल को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से हम उसकी कैप को खोलते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें मिडलाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटी करनी चाहिए। मिडलाइन क्रॉसिंग इन द सेंस कि जैसे मेरे अभी यहाँ पे इचिंग हो रहा है तो मैं उसको यहाँ से ऐसे उसको इचिंग करूँगी, तो मतलब मेरे दोनों हैंड इस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। ये राइट में हो रहा है तो हम लेफ़्ट से करेंगे और लेफ़्ट में हो रहा है तो हम राइट से करेंगे, तो इसके लिए हमें मिडलाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए हमें जितना मिडलाइन क्रॉसिंग हमें इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा जो सेकंड होता है वो है बॉडी अवेयरनेस। अगर हमें बॉडी अवेयरनेस ही नहीं है बच्चे को तो वो जो है मिडलाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बच्चे को बॉडी अवेयरनेस होना चाहिए कि ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, अगर मेरे पास कोई चीज़ आ रही है तो मुझे उसको कैसे उठाना है, अगर कोई बॉल आ रही है तो मुझे उसको कैसे किक करना है, कितना प्रेशर से मुझे उसे किक करना है। तो उसके लिए जो है बच्चे को बॉडी अवेयरनेस होना चाहिए। तो अभी उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ तैयार की हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो मैंने एक्टिविटी ली है उसमें मैंने एक बॉल को ले लिया है और बच्चे को बिठा दिया है ऑपोजिट साइड में। तो जब बच्चा राइट से दे रहा है तो उसे लेफ़्ट में पकड़ना है और जब वो लेफ़्ट से दे रहा है तो उसको राइट की तरफ से पकड़ना है। इसमें क्या है, बच्चे का बॉडी अवेयरनेस भी हो रहा है और बच्चे का साथ ही साथ मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी भी हो रही है। सेकंड जो मैंने एक्टिविटी ली है वो जो है बच्चे को मैंने थोड़ा सा फ़न वे में कर दिया है। इसमें क्या है, मैंने बच्चे के कुछ बॉल्स ले लिए हैं और दो बास्केट रख दिए हैं उसके साथ में। बच्चे को क्या है, पैर के थ्रू उन बॉल्स को जो है बास्केट में डालना है। देखिए, ये बार बार अपना हाथ यूज़ करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये एक्टिविटी देखने में बहुत ईजी लगती है लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। उसको पैरों से बॉल को बैलेंस करना है और फिर उस बास्केट में डालना है, जो कि उसके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। इसमें क्या है, बच्चे का बैलेंस भी इम्प्रूव हो रहा है, ग्रॉस मोटर भी उसका साथ साथ इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ ज़रूर करें जो कि मिडलाइन क्रॉसिंग की एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। थर्ड जो मैंने एक्टिविटी ली है उसमें मैंने बच्चे के कुछ स्किटल्स रख दिए हैं जिसको बच्चे को क्रॉस करके जाना है। इसमें मैंने बच्चे का बोला है कि वो एक ही पैर पे करे। अगर आपका बच्चा एक पैर से नहीं कर पा रहा है तो आप उसको दोनों पैर से ही करा सकते हैं। थर्ड जो मैंने एक्टिविटी ली है उसमें कुछ ग्लास ले लिए हैं जिसको बच्चे को पिरामिड शेप देना है। तो देखिए, वो उसको क्या है, लेफ़्ट और अपना राइट हैंड दोनों यूज़ कर रहा है उसको पिरामिड की शेप देने के लिए। तो ये बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छी मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है जो कि आप घर पर बच्चे के साथ करा सकते हैं।